अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर नंबर 5। तो दोस्तों, जो पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश में 25 में से 25 का हमारा है टारगेट। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपना पेपर का डर खत्म करना है। देखिए, इंग्लिश में काफी बच्चों की बैक आती है, तो दोस्तों उस डर को खत्म करने के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और आपको कम से कम 12 नंबर लाने होंगे वीडियो से, ताकि आप पास हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पेपर में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, आपको जैसा कि पता होगा। तो अगर दोस्तों आपने 5 में से 5 सही क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके 99% श्योर हो जाएंगे कि आपकी बैक इंग्लिश में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों, आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका वर्ब क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लिव्ड हो जाएगा ना। और तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ लिव्ड दिख रहा है, बस इसी को अंडरलाइन या टिक करना है, बस हो गया, एक नंबर आपके बन गए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर वर्ब आपको सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा हैड, तो सिंपल सी बात है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैड, ठीक है, इसको टिक करेंगे। और दोस्तों, आप लोग एक एक नंबर के साथ 2 नंबर आप पा चुके होंगे अगर आपने दोनों प्रश्नों को सही किया होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज। किस तरह का दोस्तों ये सेंटेंस आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, 20 नंबर हमारा क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो कितने प्रकार के प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, 4 प्रकार का होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो दोस्तों, 4 प्रकार के जो होते हैं। तो जिन बच्चों ने पहले 5 में से 5 क्वेश्चन को सही किया है, तो बच्चे बधाई के पात्र हैं। अब देखेंगे दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द लेटर राइटिंग। तो दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, कैसे आप लिखेंगे, देखिए, लेटर राइटिंग रिफर्स टू कन्वेइंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन राइटिंग टू दोज हु आर वे फ्रॉम अस, ठीक है दोस्तों। एवरी वन मे बी रिक्वायर्ड टू राइट लेटर समटाइम्स और द अदर्स, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू राइट गुड लेटर आर, ठीक है, एज इट इफेक्ट्स, ठीक है दोस्तों, अफेक्ट अवर रिलेशन विद अदर्स एज वेल एज अवर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों देखिए, ये सब क्वेश्चन आप जितने अच्छा बना के लिख सकेंगे वो भी बेटर होगा, तो इतना कोई पढ़ता नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लेटर इन ब्रीफली। तो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली लेटर्स आर टू टाइप्स, पहला दोस्तों आपका फ्रेंडली आर इनफॉर्मल लेटर्स, दूसरा होता है दोस्तों आपका बिजनेस आर फॉर्मल लेटर्स। इतना याद रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा है आपका फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ ऐसा आ सकता है कि ड्रा द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मेट खाली आपको बताना है, आपको लिखना कुछ नहीं है। स्टार्टिंग दोस्तों एप्लीकेशन आप लिखते होंगे, सबसे पहले ऊपर 2 लिखते होंगे, द प्रिंसिपल या जो भी आप लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये नेम ऑफ द ऑफिस, स्कूल और कहाँ का है दोस्तों, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ या कुछ भी दोस्तों, देखिए दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ सर लिखते हैं और दोस्तों यहाँ पर लास्ट में डेट डालते हैं और योर ओबीडिएंटली, देखिए दोस्तों एक चीज और यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सर से पहले एक सब्जेक्ट ऐड करिए दोस्तों, कि आप किस टॉपिक पर दोस्तों अपना लेटर लिखने वाले हैं, फीस माफी के लिए, किसके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एड ऑन करना पड़ेगा सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों आप सब्जेक्ट जरूर लिखें एप्लीकेशन लिखते समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, डिस्कस द टू कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ गुड लेसन प्लान, ठीक है दोस्तों। 2 कैरेक्टर बताने भाई लेसन प्लान के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, पहला आपका हो जाएगा अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा है दोस्तों आपका अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा बन सकता है एक नंबर में, कि एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ गुड लेसन प्लान। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या हो सकता है, हर्बिट्रेन अप्रोच, दूसरा है दोस्तों मॉरिसन अप्रोच आर यूनिट अप्रोच, तीसरा है एवोल्यूशन अप्रोच आर
ब्लूम्स अप्रोच, चौथा दोस्तों आर सी ई एम अप्रोच, पांचवा दोस्तों एनसीईआरटी आर इलेक्ट्रिक अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो इतने तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बन सकता है जैसे एक्सप्लेन द एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो द टीचर पुट्स इक्वल इम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एवर इम्फेसिंग आर इग्नोरिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लेसन। दूसरा दोस्तों, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। अब दोस्तों एक तरह से ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ही वाज मार्केट, ठीक है, ही वाज मार्क अब्सेंट, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, कंपाउंड में। तो कैसे बनेगा दोस्तों देखते हैं। ही वाज मार्क अब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। या दोस्तों दूसरा तरीका हो सकता है कि ही वाज Not only marked absent but also turned out of the class। दोस्तों देखिए दो तरीका से यूज किए हम लोग, दो तरीका। एक मतलब दोस्तों हम लोग यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो का, या दोस्तों यहाँ पर हमने यूज किया एज वेल एज का। ठीक है, जो भी तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके आते हैं दो नंबर वाले क्वेश्चन या लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है ना, सात क्वेश्चन दो दो नंबर के, तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको देखते आइए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, राइट अ कंपोजिशन ऑन माय आइडियल टीचर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पॉइंट आर गिवन बिलो टू डेवलप इट। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया, कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। आपको ये प्रश्न सिर्फ दो नंबर देकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पांच पॉइंट दिए गए। पहला इंट्रोडक्शन, हिज एजुकेशन, नेचर एंड बिहेवियर, हिज टीचिंग स्किल्स एंड हॉबीज और कंक्लूजन। तो आपको छोटा सा छोटा लिखना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए छोटा ही लिखा गया, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपको पांच पॉइंट मिल जाए तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिख दे, क्योंकि आपको मिलेगा दो नंबर। ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आप उनको लास्ट में करिए, ज्यादा सही रहेगा। और दोस्तों हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा लिख जरूर दीजिएगा, अगर आपके पास समय कम है तो तीन ही अगर आपने लिखा तो टीचर आपको एक नंबर देगा, लेकिन आपने हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा लिखा तो टीचर आपको 1.5 नंबर दे सकता है। अच्छे लिखेंगे तो दो में से दो मिलेगा। तो आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी और थोड़ा थोड़ा सब में कुछ ना कुछ मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा गया। सबसे पहले तो सब इंट्रोडक्शन देंगे। मिस्टर केसर सिंह को टीचर है, उनका नाम, इज माय आइडियल टीचर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ माय लाइफ। उनके एजुकेशन में दोस्तों, ही इज एमएससी इन मैथ एंड हैज फुल कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों आप किसी भी टीचर्स का लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेचर एंड बिहेवियर, ही इज द मैन ऑफ स्वीट नेचर, ही ट्रीट्स अस एज हिज ऑन चिल्ड्रेन, He never becomes angry in the class. अब दोस्तों बात आती है उनकी उनकी टीचिंग स्किल्स और हॉबीज क्या है। His teaching method is very simple. He tries to explain everything in very simple language. ठीक है दोस्तों, and also do so much hard work with us. अब दोस्तों बताएंगे उनके भाई हॉबीज क्या। He was a good player in his student life. Even today he plays football with us. अब लास्ट में कंक्लूजन, I am proud of my teacher and I wish to have such a good teacher in the future too. ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कभी कभी आपके सामने पैसेज आ जाता है पेपर में, जो कि दोस्तों आपको दो नंबर देगा। ये भी क्वेश्चन कैसा पैसेज हो सकता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ आंसर करना होगा। पहले पैसेज को पढ़ा जाए। एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर, द स्टूडेंट सिट on the ground under the trees and listen to their teacher, the often act plays, ठीक है ना, they have written themselves and very often the plays written by Rabindranath Tagore, the place fills anyone with peace and quiet, the meaning of the word Shanti Niketan is abode of peace, it is one of the best places of my learning, मतलब of learning in India. तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या बना है यहाँ पर देखते हैं। वेयर डू द स्टूडेंट सिट एट शांति निकेतन, कहाँ पर बैठते थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द स्टूडेंट सिट ऑन ग्राउंड अंडर द ट्रीज सेड ऑफ इन शांति निकेतन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड आउट द वर्ड विच हैज द फॉलोइंग मीनिंग इन द पैसेज होम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, होम के लिए अबोर्ड का यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या आ सकता है कैसे, कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस
जैसे पहला है कि आर्ग्यू द टॉस, डिस्प्यूट अ डिसीजन आर चॉइस विच हैज ऑलरेडी बीन मेड, द फाइनल चॉइस वाज मेड यस्टरडे, सो डोंट आर्ग्यू विद द टॉस नाउ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जैसे देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर में कभी कभी आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने सोचा टारगेट कर लेते हैं कि अगर आपके पेपर में इडियम्स एंड फ्रेजेस आए तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं इसी का। इन द बैक टू बियॉन्ड, एन आइसोलेटेड प्लेस लोकेटेड फॉर फ्रॉम एनी टाउन, इट टुक अस हावर्स टू फाइंड जैक्स हाउस, ही लिव्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैक ऑफ ट्रिक्स, ऑल द क्लेवर मेथड्स यू नो इन ऑर्डर टू सक्सीड, लेट्स कॉल ऑन राम एंड हिज बैक ऑफ ट्रिक्स, मे बी ही कैन हेल्प अस सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेट द बॉल रोलिंग, यू स्टार्ट एन एक्टिविटी इन विच अदर पीपुल विल ज्वाइन, लेट्स स्टार्ट द बॉल रोलिंग बाई कॉलिंग ऑन आवर फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेटर हाफ आइदर पार्टनर इन मैरिज, आई मीन बेटर हाफ स्टेज इन डेली फॉर लास्ट टू ईयर, या दोस्तों लाइक अ बियर विद अ सोर हेड, वेरी इरिटेबल एंड बैड टेम्पर्ड, When this team lost the match, Brad was like a bear with sore head. Behind bars, in prison, if you hang around with that gang, you will find yourself behind bars in no time. Blow a fuse, lose temper and become very angry. Charlie blew a fuse yesterday when they found that his iPod has been stolen. जब चोरी हो गया भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसा बन सकता है, आउट द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ द ब्लू, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली, ठीक है। सी नेवर हैज टू वरी अबाउट मनी, सी हैज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, ब्राउंड ऑफ एनॉयड, आई थिंक सी गेट्स ब्राउंड ऑफ विद हिम, बोरिंग द कार, ठीक है ना, बोरिंग द कार ऑल द टाइम। अगला दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, क्लोज योर ईयर्स टू स्टॉप लिसनिंग, आई ट्राइज टू क्लोज माई ईयर टू द साउंड कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, बी ऑन क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड, व्हेन द टीचर अनाउंस्ड माई प्रमोशन आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, कम इन हैंडी, To say that something may come in handy means that it may be useful sometime or other. Don't throw away those old shells, they may come in handy. Agla question dosto, come on blows, start to fight. The debate was so intense, the participants almost came to blows. Theek hai, agla question dosto, cost an arm and a leg. Very expensive. The house cost us an arm and a leg, but we have no regrets. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बन सकता है, डू समवन अ गुड एक्ट इन हेल्पफुल वे, माइक इज अ ग्रेट गाई ऑलवेज रेडी टू डू अ गुड टर्न। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, इन द डॉग हाउस, इफ यू आर इन द डॉग हाउस समबडी इज एंग्री विथ यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, Mark is the dog house because he damaged his father's car. Agla question dosto, down in the mouth. To look unhappy, discouraged or depressed. You look a bit down in the mouth. What's the matter? In one ear and out the other. Immediately forgotten or ignored. I keep telling him about the risk, but it goes in one ear and out the other. He never listens to anyone. Face the music. Accept the unpleasant consequences of your actions. ठीक है दोस्तों, he was caught stealing, now he has to face the music. तो दोस्तों बस ये लास्ट है बिल्कुल आपके सामने, back on your feet after an illness or an accident you are physically healthy again. ठीक है दोस्तों, सचिन it's back on his feet, first and foremost, most important than any time else. First and foremost, I want to thank our hosts for their wonderful reception.
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, फील आउट ऑफ वाटर, फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ एन अनफैमिलियर सिचुएशन और अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। ठीक है दोस्तों, एज अ नॉन गोल्फर आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द क्लब हाउस, इजी एज पाई, नॉट डिफिकल्ट, आई एम सो बिजी, आई यूजली हैव लंच ऑन द फ्लाई। ठीक है दोस्तों, 40 विंग्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विंग्स, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो 40 विंग्स हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू आई एन के एस, 40 विंग्स, हैव अ शॉर्ट स्लीव और रेस्ट जनरली ड्यूरिंग द डे। ठीक है दोस्तों, डेड लाइक्स टू हैव 40 विंग्स आफ्टर अ गेम ऑफ गोल्फ, गेट योर स्केट्स ऑन, तो दोस्तों हो जाएगा टू हरी अप, यू हैड बेटर गेट योर स्टेक्स ऑन, यू विल बी लेट। ठीक है दोस्तों, और यू विल बी लेट, गिव अप द घोस्ट टू डाई आर स्टॉप वर्किंग, माई मदर्स सोल टीवी हैज फाइनली गिव अप द घोस्ट, आई एम ऑफ टू बाय हर अ न्यू वन, हेलो फॉर लेदर, रन आर राइड्स एज फास्ट एज यू कैन, आई सॉ टॉम गोइंग हेल फॉर लेदर टूवर्ड्स द स्टेशन, अ गुड टर्न, इफ यू डू समवन अ गुड टर्न यू एक्ट इन अ हेल्पफुल वे। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल वे, माइक इज अ ग्रेट गाई ऑलवेज रेडी टू डू गुड टर्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ चिप ऑन योर शोल्डर बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, अ डाइम और डजन समथिंग दैट अबंडेंट इन क्वांटिटी एंड आर चीप समथिंग दैट इजली एक्वायर्ड, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, तो दोस्तों हो जाएगा इट्स इजी फॉर समवन एक्टिंग फूलिश विद देयर मनी टू लूज इट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, आप पाई साहब के एन एक्शन आर टास्क डेट इज सिंपल टू डू, तो दोस्तों कुछ और बचे हैं आपके सामने, आल बार्क एंड नो बाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, समवन हु इज फुल ऑफ टॉक बट हैज नो एक्शन बिहाइंड देयर वर्ड्स, आल ग्रीक टू मी, व्हेन समथिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ड्यू टू हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज अनइंटेलिजिबल, एन एप्पल अ डे keeps the doctor away, eating an apple or fruits and vegetables daily can help to keep the doctor away. Agla question dosto, an arm and a leg, something that is very pricey expensive. Theek dosto, an elephant never forgets, so someone with a good memory as busy as a bee, someone that has a lot of work to do, they are busy like to pee. तो दोस्तों आज आपके सामने कुछ इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, तो दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चन आपके दो दो नंबर में पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी, तो थोड़े बहुत अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अच्छा रहेगा। देखिए मॉडल पेपर में क्या चाहते हैं, आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिले, तो दोस्तों इस वीडियो से आपने देखा कि पैसेज भी आपको पेपर में आ सकता है दो नंबर का, और दोस्तों आपके सामने जैसे कुछ आपके ऐसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे माई आइडियल टीचर पर लिखने को, तो ये सब छोटी चीजें होती है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखा इस वीडियो में आपने, दोस्तों काफी चीजें देखा, तो दोस्तों अगली वीडियोस में आपको और ग्रामर पोर्शन मिलेगा देखने को, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, और बाकी एक मॉडल पेपर दोस्तों आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं, और वीडियो को लास्ट में दोस्तों आपको लिंक भी मिलेगा। चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों मैथ की भी मॉडल पेपर आप देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो दोस्तों मैथ के लिए आपकी पूरी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो गणित की जरूर वीडियोस देखें, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।